आज हम लोग बाल्टी या डलिया में गेंद को फेंक कर डालने की गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि के लिए हमें एक बाल्टी या डलिया और एक गेंद की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक बाल्टी या डलिया लें और उसे एक निश्चित जगह पर रख दें। इसके बाद अपने बच्चे को उस बाल्टी से कुछ दूर खड़ा करें और उसे एक गेंद दें। बच्चों की आयु के अनुसार आप बाल्टी और बच्चे के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को बाल्टी से 1 से 2 मीटर और बड़े बच्चे को 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा करें। अब आप उसे यह निर्देश दें कि इस गेंद को फेंक कर उस बाल्टी के अंदर डालो। इस खेल को और अधिक रोचक बनाने के लिए माता पिता पहले गतिविधि को करके दिखा सकते हैं और फिर अपने बच्चे को इस गतिविधि को करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज हम लोग अपने आसपास दिखने वाले जानवर और पक्षियों के बारे में बातचीत करेंगे और उनके द्वारा बोले जाने वाली आवाज को बोलने का नाटक करने की गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि के लिए हम जानवर या पक्षी के चित्रकार्ड का उपयोग कर सकते हैं यदि वे उपलब्ध हों। गतिविधि के लिए पहले आप अपने बच्चे को घर के आसपास रह रहे जानवरों जैसे गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और पक्षियों जैसे कौवा, कबूतर, तोता को दिखाएंगे और उनके बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान उनके द्वारा निकाले जाने वाली आवाज से भी परिचित कराएंगे और खुद आवाज निकालकर दिखाएंगे कि वे कैसे बोलते हैं। बड़े बच्चों के साथ इस गतिविधि को करते हुए आप उन्हें भी इन आवाजों को निकालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर किसी परिस्थिति में जानवर या पक्षी आसपास उपलब्ध ना हो तो चित्रकार्ड का उपयोग करते हुए बातचीत कर सकते हैं।